विविध सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की मनाई गई जयंती। शातिर अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, एक होंडा सिटी और एक तमंचा सहित जिंदा कारतूस भी बरामद। कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सुरीता करीम ने कहा, पार्टी हाईकमान ने सौंपी है बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेसियों ने मनाई उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की जयंती। कहा, कभी नहीं भूल पाएगा उनके कार्यों को गोरखपुर। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में क्षेत्रीय कला प्रदर्शनी वर्ष 2018 का हुआ आयोजन। प्रदर्शनी में दिखी सांस्कृतिक झलकियां। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की उनके पैतृक गांव हरनही महुराव में मनाई गई जयंती। हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट। गायत्री शक्तिपीठ में रविवार को भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कहा, बच्चों को सांस्कारिक बनाना है उद्देश्य। गोरखपुर संसदीय उपचुनाव के लिए सपा ने बनाया निषाद पार्टी के प्रवीण निषाद को प्रत्याशी। पीस पार्टी का भी मिला है समर्थन। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तेजी से चल रहा है डिवाइडर बनाने का कार्य। जुबली इंटर कॉलेज के मैदान पर जिला स्तरीय वेटरन T20 टूर्नामेंट का हुआ आगाज। और लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक अजेय रही CAG LCT ने किया ट्रॉफी पे कब्जा।